तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को कम्युनिकेशन और उसके पार्ट को बताया था, तो उसके पार्ट के जितने भी डिफिनेशन हैं आज हम उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में टॉपिक है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, इसे जान लीजिए आप लोग। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन वी डू विथ द पीपल हु आर रिलेटेड टू आवर बिजनेस और जॉब आर कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब ऐसा संचार जिसे हम लोग अपने बिजनेस या जॉब से संबंधित करते हैं, मतलब ऐसा संचार जो हमारे जॉब और बिजनेस से संबंधित होता है उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं हम। मतलब कोई ऐसा संचार कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस या हमारे जॉब से संबंधित हो, उसे हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर्मल का अर्थ औपचारिक संचार भी होता है। तो दिस कम्युनिकेशन है जो फॉर्मल कंटेंट एंड स्टाइल। इस संचार में एक अलग तरह का ही शैली होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। इसे हम लोग प्रोफेशनल संचार भी कहते हैं। प्रोफेशनल मीन्स बोलें तो पेशेवर, मतलब उनका एक प्रकार का कार्य है, जैसे कि ऑफिस में बिजनेस जॉब जो भी जाते हैं उस तरह से है, तो इसे हम लोग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। Especially when we are talking about matters related to job profile, मतलब विशेष प्रकार से अगर देखें तो जब हम लोग अपने जॉब प्रोफाइल से संबंधित मामलों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसे ही हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। दोस्तों, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अंतर लिखने के लिए आप लोगों को आ सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। आइए इसका दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। द जनरल कम्युनिकेशन वी डू विथ आवर वेल नोन पीपल, नाइबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पीपल नॉट रिलेटेड टू आवर प्रोफेशन। मतलब इस प्रकार का कम्युनिकेशन, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन तब करते हैं जब हमारे दोस्त, सगे संबंधी, फ्रेंड, मित्र हमारे प्रोफेशन से संबंधित नहीं होते हैं। उसमें देखिए क्या था, फॉर्मल जो भी थे बिजनेस जॉब संबंधित थे, इसमें फ्रेंड और रिलेटिव नाइबर्स हमारे प्रोफेशन से संबंधित नहीं होते हैं, इस कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसे हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी। इसमें जो है गोपनीयता बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड जनरल कम्युनिकेशन। इसे सामान्य संचार भी कहते हैं। तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। जो कम्युनिकेशन का चैप्टर है उससे आप लोगों का लगभग 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन आना तय है, वो भी इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग एक एक टॉपिक को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा और उसे तैयार करते रहिए। तो दोस्तों, पिछले वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वीडियो देख लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके जो और भी टाइप्स हैं उसको आप लोगों को हम बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।